हम उसी मार्ग पर इस वक्त मौजूद हैं जिस मार्ग से ये मबाल सुंदरी का डोला आता है। इस वर्ष भी यही मार्ग रहने वाला है उनके गुजरने का। इतने खराब हालत में ये मार्ग दिखाई दे रहा है, इस डोले में नंगे पैर भी चलते हैं मबाल सुंदरी के साथ में। इतना समय बीतने के बाद भी ये रास्ता आज तक ठीक नहीं हो पाया। चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, उसी के साथ नदन इंडिया का जो प्रसिद्ध मेला है चैती मेला, वो भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, बता दूं आपको, चैती मेला जो है वहाँ पर माँ बाल सुंदरी का डोला हर बार आता है और हम उसी मार्ग पर इस वक्त मौजूद हैं जिस मार्ग से ये माँ बाल सुंदरी का डोला आता है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो रास्ता है, यहाँ पर से होकर माँ बाल सुंदरी का डोला गुजरता है और इस वर्ष भी यही मार्ग रहने वाला है उनके गुजरने का। वहीं बता दूं, इस मार्ग की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, जिस तरह से ये इतने खराब हालत में ये मार्ग दिखाई दे रहा है, ऊबड़ खाबड़ और टूटा हुआ ये जो मार्ग है। वहीं कई जो भक्त होते हैं इस डोले में नंगे पैर भी चलते हैं माँ बाल सुंदरी के साथ में, जिसमें कि आपको बता दें इसी खराब ऊबड़ खाबड़ टूटे हुए रास्ते से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। इतना समय बीतने के बाद भी ये रास्ता आज तक ठीक नहीं हो पाया। वहीं बात करें बाल सुंदरी देवी मंदिर के जो मुख्य पंडा है विकास अग्निहोत्री जी, उनके द्वारा भी इसके लिए कई बार कहा गया है। उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से उनके द्वारा प्रयास किया गया है इस मार्ग को ठीक कराने के लिए, जो अनुरोध भी किया गया, इसके बारे में बात भी की गई उन्हीं। और चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं माँ बाल सुंदरी मंदिर में जो मुख्य पंडा है वहाँ के विकास अग्निहोत्री जी, उनसे बात करने। देखिए, जैसा कि कुमाऊं का सुप्रसिद्ध चैती मेला आगामी 9 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसमें माँ भगवती का बाल सुंदरी जी का डोला जो है 15 तारीख की अर्धरात्रि में नगर मंदिर से आएगा और जिस मार्ग से नगर मंदिर से यह यात्रा आती है उस मार्ग में, चूँकि द्रोणा सागर से नीचे कुछ हिस्सा जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है, वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसमें माता जी के डोले के साथ हजारों श्रद्धालुगण माता जी के डोले के साथ नंगे पैर चलते हैं और उस दौरान उस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण काफ़ी श्रद्धालुओं के चोटों का आदि इत्यादि जो है या कंकड़ इत्यादि चुभने का डर रहता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, कि शीघ्र से शीघ्र हो सके इस बार मेले से पहले, माता जी का डोला आने से पहले उस मार्ग को या तो नवीनीकरण या जैसा भी हो, मतलब उस मार्ग को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की कृपा करें, जिससे जो हजारों श्रद्धालुगण माता जी के डोले के साथ आएंगे उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।